हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में संपूर्ण चर्चा, जितने भी आपसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में अपन ओनली इससे अपने आगे वाली चलती हुई क्लास, लगभग 3-4 दिन का मैं पूरा सेशन लाया हूं, उसमें आपके लिए ओनली नेशनल पार्क आपको पढ़ाऊंगा। ओनली नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं, पशु पक्षी विहार नहीं, बायोस्फीयर नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली आपको नेशनल पार्क पढ़ाए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी किताबों में मैंने पढ़ा है और चीजों को समझने का प्रयास करा, वहां पे सब मिक्स कर देते हैं। नेशनल पार्क भी आपको पढ़ा दिए जाते हैं, एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी एक साथ पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन नहीं, अपन ओनली क्या पढ़ेंगे, नेशनल पार्क। क्या पढ़ेंगे? ओनली नेशनल पार्क। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए चर्चा को चालू करेंगे। सन 1936 से समय था, 1936 का, जगह थी उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क। आइए अब यहां से आप क्यों बता रहे हैं, हेली नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क था, जिसका नाम बदल के वर्तमान में क्या कर दिया गया है, जेम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो आपको यह सारे पॉइंट याद होने चाहिए। सन था 1936, जगह थी उत्तराखंड, क्या था, हेली नेशनल पार्क, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेली नेशनल पार्क है, और जिसका वर्तमान में क्या नाम कर दिया गया है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसको वर्तमान में बोला जाता है। और हेली यह एक बहुत बड़े प्रकृतिवादी इंसान थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रकृतिविद इंसान थे, उनके बारे में इसका नाम रखा गया है। तो यहीं से चर्चा को आज अपन चालू करते हैं। आइए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाने वाला, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, लिख लेना 1972 में। कब पारित किया गया था, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 में पारित किया गया, और यह सब आपको चर्चा आपको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यह याद ही होना चाहिए। और बात करते हैं आगे, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। कुल नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 106 नेशनल पार्क है। कितनी है? 106 नेशनल पार्क है, जो भारत के भू क्षेत्रफल का कितना परसेंट रखते हैं, 1.35% अधिकार क्षेत्र में आता है इनके, जिनके राष्ट्रीय उद्यान के। और नेशनल पार्क होते क्या है, सरकार द्वारा एक आरक्षित क्षेत्र जहां पे वन्य जीवों का संरक्षण और प्रवर्धन के लिए रखा जाता है, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, और जो वैसी प्रजातियां जिनको संरक्षण की विशेष आवश्यकता है उनके लिए एक क्षेत्र को निर्धारित कर दिया जाता है, वह सभी क्या कहलाता है, नेशनल पार्क, वह राष्ट्रीय क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो नेशनल पार्क की आपको परिभाषा, जाओ तो आप याद रखो तो रखना, लेकिन आपको ऐसे याद होना चाहिए कि ऐसा कौन सा क्षेत्र जो सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है कि इसमें वन्य जीवों को रखा जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा, उनका प्रवर्धन किया जाएगा, और जो लुप्त होने की कगार पे उनको एक सुदृढ़ और एक अच्छा वातावरण देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आइए, तो ये सब आपको पॉइंट याद रहना चाहिए। 1936 उत्तराखंड, हेली नेशनल पार्क प्रथम नेशनल पार्क, जिम कार्बेट 106 नेशनल पार्क वर्तमान में है, और पूरे कितना क्षेत्रफल, 1.35% भारत के भूखंड क्षेत्रफल का अपने अधिकार क्षेत्र में रखते हैं, और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित कर दिया गया था। और मैं आपको नेशनल पार्क के अलावा एक दूसरा शब्द नहीं बोलूंगा इस पूरे वीडियो में, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आपको चीजों को बिल्कुल सरल बनाना है, रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चीजों को आपके लिए इतना सरल बना देंगे कि आपको जब भी आप एग्जाम में भी जाओगे ना तो आपको बिल्कुल बर्डन नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आपको चीजों को आसान बना के। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को चालू करते हैं, हर स्टेट को पकड़ेंगे, उनके नेशनल पार्क और उनसे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले आप चैनल को क्या करना है, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, बिल्कुल आपको बिल्कुल डीप पढ़ाया जाता है, तो आई होप आपका भी सपोर्ट हमें जरूरी है, सपोर्ट दें और ऐसे चैनल को अधिक से अधिक प्यार देते रहे। आइए पहले बात करेंगे अपन झारखंड के बारे में, आज का पहला स्टेट चालू करते हैं। पहला स्टेट है झारखंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले बात तो झारखंड में नेशनल पार्क की संख्या, पहले इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए संख्या है एक, नाम लिखिए, बेतला राष्ट्रीय
उद्यान। वेतला राष्ट्रीय उद्यान। वेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में है। और इसको किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? 1974। सॉरी, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? झारखंड, झारखंड में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? एक है। नाम क्या है उसका? नाम है वेतला राष्ट्रीय उद्यान। देखो, जब इतना आपको डीप पढ़ाया जा रहा है इतना सरल भाषा में, तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए। तो अपन ने सब कुछ याद करा। देखो, तीन चीज याद करनी है। पहली बात तो संख्या, स्टेट का नाम, संख्या। झारखंड एक, नाम क्या है? वेतला राष्ट्रीय उद्यान, याद हो गया। और किस वर्ष बनाया गया? 97, ये भी 1974, ये भी याद हो गया। 1974 में इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। तो बस क्या याद करना है, ये आपको याद हो गया, बस इतना आसान है। आइए अब लगाते हैं हमारा आज का दूसरा स्टेट। रोज आपको तीन चार स्टेट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सरल सरल। आइए, बिहार। वही बिहार अपने लिख दिया। पहला सवाल, नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? वही एक है। अब बताइए नाम। नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और इसको किस वर्ष? 1978। और आप नोट डाल के लिखो। नोट क्या लिखा जा रहा है? नोट इसलिए लिखा जा रहा है, जो यहाँ पे विशेष है ना, विशेष है ना, उसके लिए। ठीक है, आप लिखिए, भारत में थारू लोगों का आवास स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो देखो, अपन ने क्या पढ़ा? आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? झारखंड, झारखंड में नेशनल पार्क कितने हैं? एक। नाम क्या है? वेतला राष्ट्रीय उद्यान। कब बनाया गया? 1974। झारखंड अपना क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे बिहार। बिहार में नेशनल पार्क की संख्या एक है। नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कब बनाया गया था? 1978 में। और विशेष, विशेष क्या है? भारत में थारू लोगों का आवास स्थान कहाँ है? रहे हैं हमारे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, ये सब आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, आइए आज का हमारा तीसरा स्टेट। तीसरा स्टेट यहाँ पे इनको लिखने का प्रयास करते हैं। अब मैं लिखूंगा वेतला नेशनल पार्क, एनपी का प्रयोग करूंगा मैं। ठीक है, आइए, तीसरा स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे वही पहली बात, नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? तीन। पहला लिखिए गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और इसको कब बनाया गया था? 1981 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। 1981 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। जब आपको स्टेट पढ़ाए थे वहां भी आपको क्लियर करवाया था। और यहाँ पे नोट डाल के पॉइंट लिखना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? वह है हमारे गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अब आते हैं दूसरा, इंद्रावती। इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और सन 1982 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। नोट डाल के लिखना, जंगली एशियाई भैंस का आवास स्थान है। जंगली एशियाई भैंस का आवास स्थान है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज आपको मैं लिखा रहा हूँ ना बोर्ड पे, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं छोड़ देना यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा नेशनल पार्क। तीसरा नेशनल पार्क है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। यहाँ लिखते हैं इसका, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसको भी सन 1982 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। इसको भी सन 1982 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क की संख्या तीन है। गुरु घासीदास हो गया, इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया, और यहाँ से क्या है, इंद्रावती नदी पर है ये, तो इससे आपको याद हो जाएगा यहाँ से इंद्रावती नदी पे। और तीसरा क्या है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो भाई सही नाम। तो आज अपने तीन पढ़े, झारखंड में नेशनल पार्क की संख्या एक, बिहार में एक है, और छत्तीसगढ़ में तीन है। तो अपने कितने हो गए? तीन, चार, पांच। रोज अपन पांच ही नेशनल पार्क पढ़ेंगे। तो आज के अपने पांच नेशनल पार्क क्लियर हो चुके हैं। आइए और लास्ट बार, आज की कांगेर घाटी नेशनल पार्क में एक होता है इंदोरा नेक्टेस एवेडार्जी। इंदोरा नेक्टेस एवेटार्जी एक मछली की प्रजाति है जिसके लिए फेमस है। चित्र के माध्यम से आप उस मछली को देख पा रहे होंगे। एक बार इसको आप याद कर लेंगे, अच्छी तरह पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे नई वीडियो के साथ। सबसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।